आज हम बहुत आसान तरीके से रेसिपी लेकर के आए हैं जो गणेश चतुर्थी काफी करीब आने वाले हैं। तो गणेश चतुर्थी पर पहले हम लोग के यहाँ नानी दादी जो थी ना, तो इतना मतलब मोदक का प्रचलित नहीं था, पर चावल का आटा से बनते थे मोदक। नहीं, मिठाई घर में पुआ पूरी ये सब बनते थे। तो आज हम उस तरह से तो पुआ पूरी लेकर के नहीं आए हैं, लेकिन बिना गैस जलाए आज रेसिपी लेकर के आए हैं मोदक का ही, बहुत आसान तरीके से जो मात्र 3 चीजों से यहाँ बनकर तैयार होंगे। चलिए देखते हैं कैसे बनेंगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ मीना। अगर हमारे वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यहाँ पे आधा कप ले लिए हम नारियल बुरादा, तो आधा कप में काफी सारे हो जाएंगे। आप चाहे तो 1 कप में बना सकते हैं। उसका आधा यानी कि 1/4 कप मिल्क पाउडर लिए हम, और यहाँ पे ले लिए हैं हम करीब 2 चम्मच के करीब चीनी, जस्ट उसका आधा। तो आप अपने मीठा अनुसार लीजिएगा। हम यहाँ पे क्या करेंगे कि एक मिक्सी जार लेंगे, मिक्सी जार में ले लेंगे हम कोकोनट को, मतलब बुरादा को, नारियल बुरादा को ले लेते हैं, और यहाँ पे मिल्क पाउडर भी साथ में ले लेते हैं। और अब हम ले लेते हैं चीनी, जो हम आपको नाप के दिखा देते हैं। मात्र 2 चम्मच चीनी लेंगे यहाँ, जो मीठा अनुसार काफी पर्याप्त मात्रा में है। 2 चम्मच चीनी ले लिए। अब मैं इनको पल्स मोड पर पीसना है। डायरेक्टली पीसिएगा तो ये चिपक जाएंगे, नारियल में से तेल निकलने लगेगा। चलिए इन्हें पीस लेते हैं। अच्छे तरीके से हम इनको पल्स मोड पर पीस लिए हैं। अब पीसने के बाद हम आपको दिखाते हैं कि ये पीसने से क्या होंगे, बिल्कुल मावा की तरह दिखेंगे। देखिए एकदम बारीक हो जाएंगे, एकदम लगेंगे कि मावा है। अच्छा, आपके पास अगर नारियल बुरादा नहीं है तो अगर घर में ताजे फ्रेश नारियल है तो आप इनसे छिलका निकाल करके और इनसे बना सकते हैं, एकदम इनसे और टेस्टी बनेंगे। हमारे पास नारियल बुरादा था तो इसीलिए हम नारियल बुरादा को लिए हैं, यूज किए हैं। तो अब हम सबको ले लेते हैं एक प्लेट में। अब एक चीज का खास ख्याल रखिएगा, यहाँ पे ये बहुत ही आसान तरीका बता रहे हैं। तो देखिए मात्र 1 से 1.5 चम्मच दूध हम लिए हैं, ज़्यादा दूध नहीं लगने वाले हैं। तो अब हम दूध को क्या करेंगे ना, 1 चम्मच लेकर के बस यही हिसाब से आपको लेना है, इसी के तरीके से। तो अगर हम पूरा दूध डाल देते हैं तो हमारा डो यहाँ पे थोड़ी गीला हो सकते हैं। तो बस इतना दूध लेकर के हम अच्छे से पहले डो लगा करके दिखा लेते हैं आपको। दिखाने के बाद इस तरह से पहले मसल मसल के हम डो लगाएंगे। जरूरत पड़ी तो दूध लेंगे, नहीं जरूरत पड़ी तो नहीं लेंगे दूध को यहाँ पे। तो देखिए ये अच्छे से यहाँ पे बाइंडिंग होने लगे हैं, देख रहे हैं। तो इसलिए बोले थे कि ध्यान दीजिएगा टिप्स पे। और जो दूध हम दिखाए हैं आपको, सारे दूध यहाँ बचे हुए हैं, देख रहे हैं। तो इस तरीके से आप दूध पहले ले करके बाइंडिंग करके देख लीजिएगा फ्रेंड्स। आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, एकदम आसान तरीके से जब चाहे तब आप बना सकते हैं मोदक। तो देखिए यहाँ पे तेल छोड़ने लगे हैं काफी सारा, मात्र 1 चम्मच दूध में। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए सब्सक्राइब करके घंटी प्रेस जरूर कीजिएगा। हमारी वीडियो आपको कैसी लगती है, कहाँ कहाँ से देख रहे हैं, प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें। तो इनको हम अच्छे से पहले बाइंडिंग कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे अच्छे से डो टाइट एकदम तैयार हो गए हैं। हम क्या करेंगे, यहाँ पे छोटा छोटा सा गोली, मतलब थोड़ा थोड़ा सा इस तरह से गोल करके, ज्यादा बड़ा नहीं, इस तरह से ले लेते हैं। 4 गोली निकालेंगे हम इनमें से। यहाँ पे 4 गोली हम अलग रख लेते हैं एक कटोरी में, चारों को इस तरह से। अब हम क्या करेंगे कि छोटा छोटा टुकड़ा हम यहाँ पे और इस तरह से ले लेंगे। ये तीनों डो में हम 3 तरह का कलर लेंगे, तो आपके पास जो भी कलर है वो ले लीजिए, बस थोड़ा थोड़ा ज्यादा नहीं लेंगे यहाँ पे एक एक डो। और तो हमारे पास यही वाला डो पड़े हैं, बाकी पाउडर में है। तो यहाँ पे हम थोड़ी सी लेंगे हम केसरिया कलर, मतलब एकदम जरा सा काम भर लीजिएगा। देखिए एकदम थोड़ा सा ले रहे हैं यहाँ पे बस। अब हम ले लेंगे यहाँ पे ग्रीन वाला। तो आपके पास जो भी है 4-5 कलर बनाना चाहे तो बना सकते हैं। तो यहाँ पे हम ग्रीन वाला कलर ले ले रहे हैं थोड़ा सा, इनको ले लिए। अब हम बारी बारी से क्या करेंगे, यहाँ पे सबको हम इस तरह से मिला लेंगे, अच्छे से कलर को पहले मिलाएंगे। अब हम रेड वाले को मिला लिए हैं, यहाँ पे ग्रीन वालों को हम ले लेते हैं। सेम उसी तरह से मिलाएंगे इनको इस तरह से मसल मसल के। ऑरेंज वालों को भी हम इसी तरह से मिला लेंगे। सभी में हम कलर मिला लिए हैं, बस एक में कलर नहीं लिए हैं। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे लेंगे एक चॉपिंग बोर्ड, और चॉपिंग बोर्ड में हम पहले इस तरह से रोल करेंगे इनको, इस तरह से रोल करेंगे। और यहाँ पे छोटे छोटे पीस में हम पहले कट करेंगे इस तरह से। देखिए एकदम आसान तरीके से कट हो जाएंगे, इनको कट कर लिए हैं। सेम उसी तरह से बाकी को भी हम रोल करके कट कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे 8 पीस
हुए हैं, तो इसी तरह से हम इनको भी 8 पीस कट कर लेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं सभी का साइज हम मिला दिए, दो दो के हिसाब से, दो दो कलर। तो अब हम क्या करेंगे कि एक कलर उठाएंगे, थोड़ी सी सिलेंडर सेट में हम बनाएंगे इनको हल्का सा, इस तरह से, ऐसे ऐसे आराम से बना लीजिए। सेम उसी तरह से ऑरेंज वाला को भी लेंगे और इस तरह से ओके एकदम, देखिए इसी तरह से बना लेंगे। आपको जैसे मन हो वैसे कलर, अच्छा ज़्यादा लगे आपको यहाँ पे थोड़ा आप कट कर सकते हैं, क्योंकि ये थोड़ा ज़्यादा लग रहा है, तो यहाँ पे हम थोड़ा सा कट कर ले रहे हैं। और इनको फेंकेंगे नहीं, रखेंगे, बाद में बताएंगे कि क्या करना है। तो यहाँ पे अब हम व्हाइट वाला ले लिए हैं, इनको भी सिलेंडर शेप में दे देंगे और इस तरह से ले लेंगे। देखिए सबको इस तरह से जोड़ देंगे आराम से इस तरह से। अब क्या करना है, ग्रीन वाला लेना है, तो बस ग्रीन वाला को भी इसी तरह से करना है, बस इसी तरह से हम सब बना लेना है, हमको जोड़ लेना है एकदम आराम से। तो इनको हम ले लेते हैं साइड में, जहाँ हमें बड़ा लगेगा वहाँ हम कट कर लेंगे, थोड़ा सा कट करेंगे इनको, यहाँ इनको भी ऐसे जोड़ देंगे। देखिए इसी तरह से सबको हम बना लेंगे, सभी को जोड़ दिए हैं। अब हमें राउंड करना है धीरे धीरे इस तरह से, देखिए इनको भी हम राउंड करेंगे, ऐसे मोड़ते जाएंगे और जोड़ ज्वाइंट करते जाएंगे, फिर इनको भी हम इस तरह से ज्वाइंट करते जाएंगे, फोल्ड करते जाएंगे, सेम उसी तरह से इनको फोल्ड करते जाएंगे और जोड़ते जाना है आपको इस तरह से, देखिए राम राम से। फिर इधर से भी फोल्ड करेंगे और ये दोनों मुंह इधर से सटा देंगे। अब क्या करना है, इनको इस तरह से जोड़ते हुए ऐसे करना है, एकदम सटाते हुए, ऐसे सटाते हुए इस तरह से जोड़ लेना है एकदम आराम आराम से, बहुत आसानी से ये जुड़ जाएंगे। देखिए हम इनको क्या करेंगे कि आहिस्ता आहिस्ता जोड़ेंगे इस तरह से, जोड़ते हुए उठाएंगे, उठाते हुए भी हमको जोड़ते ही जाना है, बस इस तरह से जोड़ते जाना है। देखिए और थोड़ा सा प्रेस करते हुए जाना है यहाँ पे, इस तरह से प्रेस करेंगे इनको और यहाँ पे हथेली पे ले लिए हैं। अब क्या करेंगे, इनको इस तरह से ही प्रेस करते हुए इनका मुंह को बंद करेंगे और थोड़ा पतला बनाते जाएंगे इस तरह से। देखिए देखिए इनका मुंह का ज्वाइंट कर दिए हैं और हमें अब थोड़ा पतला करना है इनको, इस तरह से पतला कर लेना है। देखिए इसी तरह से एकदम बीच में गैप नहीं है, कहीं भी नहीं है, तो इसी तरह से हमको पतला कर लेना है। अभी दिखाते हैं कि पतला करने के बाद क्या करने हैं इनको, इस तरह से देखिए हाथों पे ले ले उठा करके आराम से, और आराम से हथेली के सहारे इस तरह से दबाते जाएं, ऐसे ऐसे एकदम दबाएं, थोड़ा और पतला कर लें आप आराम आराम से। और अब हम क्या करेंगे यहाँ पे कि एक लड्डू उठाएंगे, इनके अंदर ले लेंगे और बस, देखिए टूटने लगे हैं ना, इनको आहिस्ता आहिस्ता से आपको फोल्ड करना है, आहिस्ता आहिस्ता एकदम दबाते हुए इस तरह से फोल्ड करना है। आप देखिए एकदम आराम आराम से ऊपर में है, दबाते हुए फोल्ड करना है। ये अगर टूट भी रहे तो कोई बात नहीं है, बताएंगे कि क्या करना है आपको। देखिए एकदम आराम आराम से इस तरह से पैक कर देना है और इनको दबा देना है हल्का सा, इस तरह से पैक करना है यहाँ पे। देखिए एकदम धीरे 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 पैक हो जाएंगे, देखिए पैक कर दिए। अब इनको आराम आराम से गोल गोल घुमा लें, देखिए कितना बढ़िया से पैक हो गए ना। देखिए और पैक कर देते हैं थोड़ा सा और इस तरह से इनको कर देते हैं। तो आप देख रहे हैं कितना बढ़िया से बन गए, थोड़ा सा इनको इस तरह से आप कर दें थोड़ा सा ऐसे एकदम आराम से, पूरा देखिए सब चिकना हो जाएगा, एकदम प्लेन हो जाएंगे यहाँ पे आराम आराम से। और इसी तरह से हम बाकी को भी बना लेंगे सभी को। तो यहाँ पे चार हम बना करके रेडी कर लिए, अब देखिए कितना खूबसूरत लग रहे हैं। तो फ्रेंड्स इनको क्या करिएगा बनाने के बाद कि करीब करीब 4 से 5 मिनट के लिए फ्रिज में रख दीजिएगा ताकि ये अच्छे से टाइट हो जाए। हम रख दिए थे, आपको बताना भूल गए थे, इनको रख दिए। अब क्या करना है इनमें, इनमें देखने में तो अच्छा नहीं ना लग रहे हैं, अब अच्छे भी लग रहे हैं, इतने बुरे भी नहीं लग रहे हैं, पर इनको अच्छा लगने के लिए अब क्या करना है, ये तो आप इस तरह के एक चम्मच ले लीजिए, ये तो फिर इस तरह से एक छुरी ले लीजिए, कोई भी छुरी नाइफ ले लीजिए, और नहीं तो फिर टूथपिक ले लीजिए।
लेकिन सबसे आसान चीज़ हम आपको बताते हैं कि किन से होगा। ये चम्मच लीजिए। अब चम्मच से क्या करना है आपको, पूरे इस तरह से आपको निशान बनाना है। देखिए ऐसे ऐसे एकदम बारीकी बारीकी निशान बनाना है। देख रहे हैं कितना बढ़िया बन रहा है। तो इस तरह से आपका चिपकेंगे नहीं, इस तरह से सभी में हम कट कर लेते हैं, बना लेते हैं, बिना मोल्ड का मोदक तैयार हो जाएंगे एकदम, बहुत आसान तरीके से बन जाएंगे। देखिए एकदम बारीकी देखा रहे हैं। तो इसी तरह से हम सबको बना लेंगे, निशान दे देंगे खूबसूरती के लिए। और हाँ, बाद में आपको ये छुरी है ना, छुरी से आपको क्या करना है कि इनके बीच में, ताकि और ढेर सारा घने अच्छे लगे। देखिए कितना बढ़िया लग रहा है ना। यहाँ पे फिर से हम आपको एक दिखा दें। देखिए पतले पतले यहाँ पे इनको इस तरह दबा दीजिए। देखिए इस तरह से बनाना है आपको। ये देखिए फिर हम कट किए यहाँ पे, इसी तरह से हम सबको बना लेंगे। देखिए यहाँ पे सभी में डिजाइन देखिए कितने खूबसूरत से बन गए हैं। देख रहे हैं एकदम हाथों का डिजाइन बिना मोल्ड का बनकर तैयार है। अब ये तो आपको देखने में थोड़ी फीकी फीकी लग रही होगी कि इनमें क्या है, देखिए हर जगह पर। तो बस ये जब भी चाहे तब बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमने कुछ बचा कर रखी है। तो थोड़ी सी यहाँ पे जो इनमें से बचे हैं ना, उनको बचाए हैं। अब हम क्या करेंगे, इनको यहाँ पे हाथों से ही इन पे ले लेते हैं। ये हमारा मोदक का लुक हो गया। तो रंग बिरंगी बनाए हैं तो रंग बिरंगी बचे हुए हैं। तो बस इस तरह से हल्का सा दबा दे सभी पे और यहाँ पे बस सजा दे। तो सभी पे देखिए कितनी खूबसूरती से ये सेट हो गए हैं। देख रहे हैं कितने बढ़िया लग रहे हैं। तो घर का चीज, घर का ही चीज सामान से आप इतना आसान तरीके से बनाए हैं। और आप चाहे तो और आप 4, 8, 10 बहुत सारे बना सकते हैं। हम कम सामग्री से दिखाएं ताकि कम सामग्री में भी आप बना सकते हैं मोदक। तो यहाँ पे देखिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं ना एकदम, वाओ। तो आप चाहे तो यहाँ पे काजू पिस्ता बादाम भी लगा सकते हैं। हम बस जो जिससे हम मोदक बना है उसी से हम यहाँ पे थोड़ी थोड़ी सी मोदक का शेप दे दिए हैं। अब हम आपको चलिए कट करके दिखाते हैं यहाँ पे एक को। तो बस दबाते हुए कट करेंगे यहाँ पे इस तरह से। आप देखिए वाओ क्या लग रहा है ना। देखिए एकदम मावा का भी फेल कर दिए हैं यहाँ पे। मावा का जरूरत ही नहीं पड़ा, जो मिल्क पाउडर लिए ना वो मावा का कमी पूरा कर दिए हैं फ्रेंड्स। तो आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करके घंटी प्रेस जरूर करें। चलिए मिलते हैं इसी तरह से एक नई रेसिपी लेकर के। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग रसोई मीना की। बाय।